हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के एकदम फ्रेश रेडी हूँ और ऑफिस का काम खत्म हो चुका है और पीसी मैंने बंद कर दिया है, मतलब स्क्रीन लॉक है, बट अभी कोई काम नहीं चल रहा है। आज सुबह मेरा एक पार्सल आया और उसमें मैंने मंगाया था एक माइक और ये है बोया का माइक। और जैसे कि हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो आवाज़ कभी कभी क्लियर नहीं आती है, या फिर मेरा जो पहला माइक था उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती थी और बहुत नॉइज़ आता था, तो इसलिए मैंने ये माइक ऑर्डर किया था 2-3 दिन पहले, जो आज सुबह आया था। अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, तो अभी इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि ये कैसा है। सो गाइज, मैंने माइक ओपन कर लिया है और उसको मैंने माउंट किया है मेरे ट्राइपॉड के ऊपर और वो असेंबली दिख रही है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो ये जो माइक है ये हमने मोबाइल के ऊपर माउंट किया है और इसमें लगी है विंडशील्ड, मतलब अगर हम जब ड्राइव करते हैं, अगर मैं टू व्हीलर ड्राइव कर रहा हूँ और मैं पीछे बैठा हूँ और मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम पे जो नॉइज़ होगा एक्स्ट्रा का वो सब इसमें नहीं आएगा। तो ये असेंबली जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अभी तक मैंने इसे सिर्फ माउंट किया है, अभी इसको यहाँ पर लगाएंगे, एक्चुअली वॉइस में कितना डिफरेंस आता है ये इसको लगाने के बाद पता चलेगा। सो गाइज, मैंने अभी इसको यहाँ पर माउंट कर दिया है, अभी शायद वॉइस में थोड़ा सा चेंज आया होगा, ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो ये असेंबली मेरी कुछ इस तरीके से रहेगी अभी इसके बाद। तो माइक हमारा माउंट हो चुका है और उसे मैंने कनेक्ट भी कर दिया और अभी जो भी आप आवाज़ सुन पा रहे हो ये माइक के बाद वाला आवाज़ है। ऊपर फैन जो है वो फुल स्पीड में चल रहा है और देखेंगे कि आवाज़ एक्चुअली में कैसा आता है, ये वीडियो बनने के बाद आपको पता चलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ किचन में और मुझे भूख लगी है और शायद खाना बन चुका है या फिर बनने वाला है, वो मैं जाके देख रहा हूँ। आज उपवास है तो यहाँ पर उपवास की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर दही है, साबूदाना खिचड़ी है, ये आलू की चकली है जो हमने घर पे बना के सुखाई थी छत पे और अभी उसको फ्राई किया है, और ये है फलहारी चिवड़ा। सो आज एकादशी है और आज से तुलसी विवाह भी स्टार्ट होता है, तो जो दिवाली के बाद में होता है वही है। तो आज हमारा सबका उपवास है इसलिए हमने उपवास की चीज़ें बनाई हैं। तो अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, मतलब ये उपवास की चीज़ें सब खाने वाला हूँ, उसके बाद में फिर मैं जाऊंगा छत पे थोड़ा वॉक करने के लिए। यहाँ पर मेरी प्लेट रेडी है, दही है, साबूदाना खिचड़ी है और जो भी स्नैक्स है वो सब इसमें अवेलेबल है और अभी मैं इसको खा रहा हूँ। बहुत मस्त बनी खिचड़ी, एकदम मस्त बनी है। मेरी साबूदाना खिचड़ी खा के हो गया, साबूदाना खिचड़ी बहुत मस्त बनी थी, आज साबूदाना खिचड़ी खूब संग। मेरा साबूदाना खिचड़ी खा के हो गया है और अभी मैं ये खा रहा हूँ वेफी। अभी मैं जा रहा हूँ छत पे वॉक करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ छत पे और अभी मैं लाइट चालू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइज, हमको खाना खाने का रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट तक वॉक करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी वॉक करता हूँ थोड़ी देर। मेरा वॉक करके हो गया है और अब मैं नीचे जा रहा हूँ लाइट बंद करके। और ये आ गया हूँ मैं अपने रूम में और अभी मैं करूँगा व्लॉग को एडिट। और यहाँ पर मेरा लैपटॉप चालू हो चुका है और अभी मैं अपना व्लॉग एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ और आप इसे देख पाओगे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको व्लॉग कैसा लगा। गुड नाइट।